नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई गिरावट। बिहार में कोरोना आपदा के बीच नीतीश सरकार ने खोला खजाना। CBSE ने सभी स्कूलों को भेजा 10वीं के रिजल्ट तैयार करने की डेडलाइन। देश भर में 24 घंटे में आई कोरोना मामले में थोड़ी गिरावट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह ने NRI को बनाया अपना शिकार। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले जालसाजों के हौसले काफी बढ़ गए हैं और अब एक मामला ऐसा आया है जहां जालसाजों द्वारा एक NRI को लाखों की कीमत में सिलेंडर बेचते हुए पकड़ा गया है। आमतौर पर जहां 10 किलो के एक सिलेंडर की कीमत लगभग 7,000 रुपये होती है, वहीं शातिरों ने एक सिलेंडर की कीमत 1,10,000 रुपये बताई। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले पटना जिले के नौबतपुर के एक NRI ने 5 दिन पूर्व NH खान को WhatsApp पर बताया कि उनसे पटना के रहने वाले एक शख्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने के एवज में 1,10,000 रुपये मांगे हैं। उनके रिश्तेदार कोरोना संक्रमित थे और उन्हें घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, जिसके बाद तहकीकात के बाद सोमवार को एक जालसाज हर्षराज को EOU ने खरीदार बनकर संपर्क किया व उसे राजीव नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। कालाबाजारी करने वाले 9 शातिरों को EOU ने गिरफ्तार कर लिया है। CBSE ने सभी स्कूलों को भेजा 10वीं के रिजल्ट तैयार करने की बेसलाइन। CBSE बोर्ड द्वारा 20 जून को 10वीं के बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए बीते दिन CBSE ने सभी स्कूलों को 10वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए बेसलाइन रिजल्ट भेज दिया है। इसके आधार पर ही 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके तहत हर स्कूल के लिए 3 वर्षों के रिजल्ट के आधार पर 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन करेगा। वहीं इसके लिए CBSE ने इसके आधार पर रिजल्ट अपलोड करने के लिए सोमवार से लिंक को भी खोल दिया है। आपको बता दें कि इस बार CBSE ने कोरोना को लेकर 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली है। वहीं इस संबंध में जारी दिशा निर्देश के अनुसार कुल 80 अंकों का मूल्यांकन स्कूल कमेटी करेगी। इसमें से 10 अंक यूनिट टेस्ट के आधार पर दिए जाएंगे। मिड टर्म परीक्षा के आधार पर 30 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं प्री बोर्ड की परीक्षा के आधार पर बच्चों को सबसे ज्यादा 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा CBSE ने इस बार पिछले बार के मुकाबले बच्चों को रिजल्ट में 2 अंक अधिक देने की बात कही है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में आई गिरावट। देश भर में जारी कोरोना कोहराम के बीच अपने राज्य बिहार से एक राहत भरी खबर आई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में बीते दिन गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत भी बढ़ा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 10,174 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,112 सैंपल की कोरोना जाँच की गई। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 10.16% रहा, जो कि इसके एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण दर 10.31% था। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 0.15% की कमी आ गई है। एक दिन पूर्व राज्य में 11,259 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में अमानवीय हरकत को लेकर प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर स्थित ग्लोकल अस्पताल के मरीज के परिजनों से अमानवीय हरकत का मामला सामने आते ही अब पुलिस हरकत में आ गई है। इस संबंध में मधुबनी निवासी एक कोविड पेशेंट की पत्नी का आरोप है कि अस्पताल में ICU में भर्ती उनके पति व सास के साथ इलाज में तड़पाया गया। इतना ही नहीं, पत्नी ऋचा ने कंपाउंडर पर दुपट्टा खींचने व कर्मियों द्वारा धमकी देने का भी बयान दिया है। हालांकि उनके पति रोशन कुमार की मौत अस्पताल में इलाजरत होने के दौरान ही हो गई है। इस बारे में डॉक्टर पर उनके इलाज में ध्यान नहीं देने के कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। कल ईद का चांद दिखने पर उसके अगले दिन मनेगा भाईचारे का यह त्यौहार। इस्लाम धर्मावलंबियों का पावन माह रमजान खत्म होने पर है और आज 28वां रोजा चल रहा है। इसी के साथ ईद के चांद देखने को लेकर भी मुसलमानों के बीच बेसब्री से भरा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच कई मौलानाओं और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने बुधवार शाम यानी कि 12 मई को ईद के चांद दिखने की बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल चांद दिखता है तो ईद 13 मई को मनाई जाएगी, वरना चांद नजर नहीं आने पर 14 मई को ईद का होना निश्चित है। इसके साथ ही बिहार में लॉकडाउन होने के कारण इस्लामिक शिक्षाविदों ने लोगों से आह्वान भी किया है कि बीते वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना के खतरे को देखते हुए ईद की नमाज घरों में पढ़ें और बिना गले मिले और हाथ मिलाए शारीरिक दूरी बनाते रखते हुए खुशियों का त्यौहार ईद मनाएं। बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। सूबे बिहार में प्री मानसून से पहले कई जगहों पर आंधी बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। इस क्रम में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 2-3 दिनों के लिए आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी किया है। दरअसल एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार की सीमा क्षेत्र के ऊपर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक और चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम बंगाल के गंगा वाले क्षेत्र से लेकर झारखंड और बिहार के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर से 2.1 किलोमीटर के बीच बना हुआ है। इसको लेकर विभाग ने लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बहने का भी अनुमान है।
बक्सर के गंगा घाट पर मिले शवों की जांच के लिए देर रात पहुंची प्रशासन। सूबे बिहार के बक्सर जिले से एक सनसनीखेज मामला आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए हैं। दरअसल बक्सर जिले में गंगा नदी में काफी तादाद में शवों के मिलने का मामला काफी गंभीर हो गया है। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गई है और देर रात जिले के डीएम अमन समीर और एसपी नीरज कुमार चौसा ने महादेवा घाट में उस जगह पहुंचे। वहीं जिला प्रशासन सभी शवों की कोविड जांच कराने की तैयारी में जुटी है। इसे लेकर गंगा में मिले सभी शवों का पोस्टमार्टम करने और सैंपल लेने के लिए सोमवार की देर शाम बक्सर से लैब टेक्नीशियनों का एक दल भी रवाना हुआ है। हालांकि सभी शव कोविड से मृत व्यक्ति हैं अथवा नहीं है, ये बात पोस्टमार्टम में ही जांच के बाद पता चलेगी। हालांकि पोस्टमार्टम में केवल सैंपल लिए जाएंगे या शवों के डीएनए टेस्ट भी होंगे, इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं बक्सर डीएम ने कहा है कि जो भी शव बरामद हुए हैं वह केवल बिहार के ही नहीं है बल्कि उनमें यूपी के क्षेत्र के भी कुछ शव बहकर आए हैं। पटना निगम प्रशासन ने कोविड अस्पतालों के बाहर की रैन बसेरों की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान राज्य के कई जिलों से भी कोरोना पेशेंट राजधानी पटना के अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं। वहीं पटना के भी मरीज यहां के अस्पतालों में भर्ती होते हैं। ऐसे में राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मरीजों के साथ उनके परिजन भी लगातार बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में परिजनों के रहने और खाने पीने की समस्या को देखते हुए पटना नगर निगम प्रशासन ने पीएमसीएच एनएमसीएच एम्स अस्पतालों के पास अस्थायी रूप से रैन बसेरों को करवाया है जहां मरीजों के परिजन रात गुजार सकते हैं। रैन बसेरों में समुचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए पीएमसीएच में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे में निगम प्रशासन द्वारा 12 बेड लगाए गए हैं जहां पंखे के साथ ही हर बेड पर साफ सुथरी चादर भी बिछी है। साथ ही यहां कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। वहीं मेन्यू के हिसाब से भोजन भी देने की व्यवस्था के साथ ही शौचालयों तक की सुविधा सब निःशुल्क है। पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद और जाप के प्रमुख पप्पू यादव को कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आज सुबह पप्पू यादव पटना में पीएमसीएच के कोविड वार्ड पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया को ब्रीफ भी किया। इसको लेकर उनके पटना स्थित आवास पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पहुंची जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके साथ ही मधेपुरा से भी कुछ मामला भी है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने पप्पू यादव से पास बनवाकर घूमने का आग्रह किया था। इस संबंध में उन पर पीरबहोर थाने में केस दर्ज होगा। बता दें कि इससे पहले उन्हें गाइडलाइंस को तोड़ने को लेकर नजरबंद करने का आदेश भी दिया गया था। पीएमसीएच में तेज प्रताप यादव ने भर्ती कोरोना संक्रमितों के स्वजन के बीच खाना बांटा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीते दिन सोमवार को पीएमसीएच में भर्ती कोरोना संक्रमितों के स्वजन के बीच खाना बांटा। इस दौरान वह करीब आधे घंटे तक वहां रहे और अस्पताल प्रशासन व मरीजों से इलाज व्यवस्था की जानकारी लेते हुए वहां मौजूद मरीज व परिजनों को खाने के पैकेट भी बांटे। इस दौरान 4 गाड़ियों के काफिले के साथ तेज प्रताप वहां पहुंचे। वहीं उनके साथ खाने के पैकेट लिए करीब 50 समर्थक भी उनके साथ थे। उनके पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने लालू की रसोई शुरू होने की बात कहकर उन्हें खाने की समस्या नहीं होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि यहां दवाओं समेत कोई सुविधा नहीं है। बिहार में कोरोना आपदा के बीच नीतीश सरकार ने खोला खजाना। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की समस्या को देखते हुए कई दिशा निर्देश लगातार विभागों को दे रहे हैं। इस बीच बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षात्मक बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई, जिसमें सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए खर्च होने वाली राशि में कोई कमी नहीं होने देगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में कोई लापरवाही और समस्या ना हो, इसे सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग योजनाबद्ध तरीके से बेहतर प्रबंधन के साथ काम करे, कोरोना पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। गुरमीत ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए नागपुर में एक अस्थायी कोविड अस्पताल खोलने की घोषणा की है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें ऐसे और भी केंद्रों की जरूरत है। अभिनेता ने साथ ही बताया कि वे डॉक्टर सैयद वजाहत अली और टीम के सहयोग से नागपुर में एक समर्पित मेकशिफ्ट कोविड केयर अस्पताल के शुभारंभ की घोषणा करके खुश हैं। यह कोविड अस्पताल एचपी टाउन नागपुर में स्थित है और कोविड पीड़ितों के कल्याण के लिए काम करेगा। राबड़ी देवी पर आधारित वेब सीरीज इस तारीख को होगी रिलीज। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर आधारित वेब सीरीज जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। इस राजनीति के दाम को अब वेब सीरीज महारानी के रूप में पेश किया जा रहा है। रविवार को इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया, साथ ही वेब सीरीज के वर्ल्ड प्रीमियर की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। सीरीज महारानी का वर्ल्ड प्रीमियर 28 मई को सोनी लिव पर किया जाएगा। लीड एक्ट्रेस के रूप में हुमा कुरैशी को चुना गया है, जिनके लुक को काफी हद तक राबड़ी देवी की तरह तैयार किया गया है, जहां हुमा साड़ी बिंदी और सिंदूर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको बता दें कि एक माह पहले सोनी की तरफ से YouTube पर जारी टीजर को ही 24 घंटे में 10 मिलियन से अधिक लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद ही बीते दिन ट्रेलर रिलीज किया गया है।
देश भर में 24 घंटे में आए कोरोना मामले में थोड़ी गिरावट। देश भर में मंगलवार के आंकड़े में कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,29,942 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 3,876 मरीजों की जान भी चली गई है, जिसके बाद कुल एक्टिव केस देश भर में 37,15,221 हो गए हैं। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 10,174 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 15,800 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,103 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 81.97% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार CBSE बोर्ड द्वारा 10वीं की वार्षिक परीक्षा लिए बगैर रिजल्ट जारी करने के लिए बेसलाइन के तमाम मानक सही है या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।